गुड एमसी फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आनंद बाजपाई। फ्रेंड्स, वाटर, पानी, आज हम सब जानते हैं वाटर कितना एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। और एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी 60% पानी होता है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं आपको नॉलेज देने के लिए यहां पे आपके सामने आया हूं, उसको मैं लिंक अप या आपको मैं बेस समझाना चाहूं तो आपने अक्सर सुना होगा कि एप्पल जो है ये हमें कहां से मिलता है, हिमाचल की वादियों से। सेब की बात करूं, गोवा की बात करूं, ऑरेंजेस की बात करूं या किसी भी फ्रूट्स की बात करूं, इन सब के ग्रो होने में या उगने में वातावरण प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं चाहूं कि एप्पल महाराष्ट्र या केरल में उग जाए, पॉसिबल नहीं है, राइट? यानी कि किसी भी चीज की पैदावार या ग्रोथ के लिए वातावरण या एटमॉस्फेयर हम कहते हैं प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिमिलर वे में बीमारी, राइट? आपने अक्सर सुना होगा कि मेरी माताजी पिछले 10 सालों से पीड़ित है, मेरे डैडी को पिछले 15 वर्षों से कैंसर है, ये उसको 20 साल से हार्ट की प्रॉब्लम है। तो अक्सर हम एक बात सोचते हैं कि ऐसे कौन से कारण होते हैं कि लंबे समय से बीमारी आपका शरीर छोड़ नहीं पाती, राइट? तो अगेन यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बॉडी में लंबे समय से कोई बीमारी टिकी हुई है तो उसका एक ही मतलब है कि बीमारी का फेवरेबल वातावरण आपके अंदर मौजूद है। यानी कि वो फेवरेबल वातावरण या एटमॉस्फेयर, ऐसा कौन सा एटमॉस्फेयर है जिसमें बीमारी पनपती है और ग्रो करती है, वो एक ही वातावरण है, इसको हम कहते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज मेरा ये वीडियो बेस्ड है। साथियों, एक होता है पीएच स्केल, 0 to below 7, या एक स्केल होता है पीएच नापने का 0 to 14, 0 से अगर 7 के नीचे अगर मैं कहूं तो वो होता है एसिडिक एनवायरनमेंट, और 7 एक न्यूट्रल वातावरण होता है, और 7 to 14 अगर हम चलते हैं तो दैट इज नोन एज अल्कलाइन एनवायरनमेंट। काफी वर्षों पहले एक बहुत ग्रेट जो माइक्रोबायोलॉजी या साइंटिस्ट, उन्होंने रिसर्च की थी कि ऐसा क्या कारण था जिससे बीमारी हमारा शरीर छोड़ती नहीं है, चाहे कैंसर हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो। तो उन्होंने ये पाया कि अगर 7 के ऊपर अगर आप कोई भी पानी अगर कंज्यूम करते हो, यानी कि जिसका एल्कलाइनिटी जिसको हम कहते हैं, 7 के बिलो अगर हो तो वो एसिडिक में जाता है, और 7 के ऊपर एल्कलाइनिटी। तो अल्कलाइन मीडियम आज हमारा शरीर अगर होता है तो उस वातावरण में कोई भी बीमारी टिक नहीं पाती है। 80-20 रूल, WHO के मुताबिक हमारा जो ह्यूमन बॉडी है 120 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया है। ये 120 वर्ष अगर हमको जीना है तो 80% ऑफ द फूड कंज्यूम शुड बी अल्कलाइन एंड 20% शुड बी एसिडिक। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? जवाब है जी नहीं। शहरीकरण के कारण, फास्ट फूड कल्चर के कारण हो रहा है इसका रिवर्स। 80% खाना हम लोग एसिडिक खा रहे हैं एंड 20% अल्कलाइन। नतीजा, बॉडी के अंदर एसिडिटी। 98% ऑफ द हाउस होल्ड आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस या डाइजेस्टिव की आप जो भी समस्या बोल लो। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एक ही है, या तो आप अपना खान पान सही कर लो, यानी कि आप अल्कलाइन फूड जिसमें कि फ्रेश फ्रूट्स, हरी सब्जियां, पानी, दही, नारियल पानी, ये सब लेना शुरू करें। यानी कि 80% खाना, जैसे जिन खानों से हमको आमतौर पर एलर्जी होती है, जैसे जब भी हमारे घर पे खिचड़ी बनती है हम अक्सर कहते हैं कि हमारे घर में कौन बीमार है, मरीजों वाला खाना। तो जी हाँ दोस्तों, मरीजों वाला खाना वही होता है अल्कलाइन फूड। लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल के कारण हम अल्कलाइन फूड्स खा नहीं पा रहे हैं। तो उसका दूसरा उपाय है कि आपको कोई ना कोई ऐसी चीज अंदर लेनी चाहिए जो कि हाईली अल्कलाइन हो। अल्कलाइन लेने की वजह से आपका जो वातावरण है वो अल्कलाइन हो जाएगा, और उस वातावरण में कोई भी बीमारी टिक नहीं पाएगी। फ्रेंड्स, जी हां, आपने सही सुना, कोई भी बीमारी, यानी कि आप
सबके शरीर में आप लोग कई लोग जो मुझे सुन रहे हो, किसी को जोड़ों की तकलीफ है, किसी को बाल झड़ रहे हैं, किसी को बवासीर की शिकायत है, किसी को कैंसर है, किसी को थायराइड, किसी को डायबिटीज, किसी को इनफर्टिलिटी, तो इन सब बीमारियों से या इन सब जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, अगर इससे हम सबको छुटकारा चाहिए तो आपको अल्कलाइन मीडियम अपने शरीर को करना पड़ेगा। तो उसी चैलेंज को सॉल्यूशन के लिए हमारी आईएमसी आपके लिए लेकर आई है एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, या उसका सॉल्यूशन मैं बताऊं तो वो सॉल्यूशन है आईएमसी का लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट, या जो मैं कहूं कि अभी प्री लॉन्च पे चल रहा है, अल्कलाइन एंटीबैक्टीरियल मिनरल वाटर बॉटल। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आपने, अल्कलाइन, राइट। तो अल्कलाइन का महत्व मैं आपको समझा चुका हूं, ये पानी हाईली अल्कलाइन है। इसकी अगर मैं बात करूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी अल्कलाइन, अगर आप ये वाटर पीते हो जल्दी बीमारी आपके अंदर टिकेगी नहीं, अगर अंदर कोई भी बीमारी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे। टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते ही आपकी एनर्जी लेवल्स जबरदस्त, क्योंकि आजकल थकान बहुत कॉमन है। दूसरा इसकी स्पेशलिटी है एंटीबैक्टीरियल्स, राइट। तो एंटीबैक्टीरियल आज जितने भी आप जिसको बुखार आता है, बदन दर्द है, छोटी मोटी जितने भी बैक्टीरियाज भी दो तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरिया। सो इसके अंदर आपका बैक्टीरियल जो गुड बैक्टीरिया है वो भी बढ़िया से बैलेंस होता है, और जो बैड बैक्टीरियाज है ये उसको पूरी तरह से ये खत्म कर देता है। एंड थर्ड जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर तीन तरह के मिनरल बॉल्स इसके अंदर बने हुए हैं, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड पोटेशियम, राइट। तो हाइड्रोजन जो है ORP, ये वर्ड आप लोग याद रखेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन यानी जिसको हम अक्सर आम भाषा में कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, तो ये ओआरपी को कम करता है और एल्केलिनिटी को बढ़ाता है। कैल्शियम बॉल्स आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाते ही आपकी जो जॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपकी बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स ये दो प्रॉपर्टी इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त है। तीसरा इसके अंदर मिनरल बॉल्स, ये मिनरल्स, आज हमारा शरीर 4% मिनरल्स होता है, और हेयर फॉल की सबसे बड़ी समस्या इज ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी। जी हाँ दोस्तों, तो इसके अंदर तीनों मिनरल्स, हाइड्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम रिच वाटर, आज हम लोग जितने भी हिमालयस का पानी ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसीलिए, क्योंकि हाईली रिच इन मिनरल्स होता है, और मिनरल्स हमारे शरीर का 4% ऑफ द बॉडी वेट हमारे मिनरल से होता है। हमारे बालों की क्वालिटी, हमारे स्किन की क्वालिटी, शरीर के अंदर जितने भी हमारे जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, या हाथों पैरों में नसों का कोऑर्डिनेशन, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, मिनरल्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फ्रेंड्स आज IMC is working into preventive wellness, right? हम बीमारी पे काम नहीं कर रहे, हम बचाव के क्षेत्र में काम कर रहे, और आज बचाव आपको और मुझे, हम सबको चाहिए। तो फ्रेंड्स आने वाले समय में जिस स्पीड से पानी का स्तर, प्रदूषण का स्तर, खाने पीने का स्तर जो गिरता जा रहा है, आने वाले समय में हर एक व्यक्ति, आने वाला एक बीमारी का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। प्रिवेंशन इज द ओनली सॉल्यूशन आपके पास और मेरे पास। तो प्रिवेंशन के लिए यदि आप और मैं अगर कुछ करना चाहते हैं, और हम सब चाहते हैं कि एक डिजीज फ्री लाइफ हम जिए, तो एक ही उपाय है, मिनरल वाटर, या जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन, राइट, हाईली अल्कलाइन मिनरल वाटर, राइट, एंटीबैक्टीरियल भी है। तो फ्रेंड्स इस बॉटल की एक स्पेशलिटी है, BPA फ्री प्लास्टिक, राइट। सो ये जो बॉटल है ये स्पेशली डिजाइन की गई है हमारे हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए, ताकि इससे किसी भी प्रकार का हमें कोई नुकसान नहीं होगा, और इसके अंदर का पानी इज फैंटास्टिक। सो फ्रेंड्स आई विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी लाइफ थ्रू दिस अल्कलाइन वाटर। सो थैंक यू।